राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से सोमवार को ऑनलाइन एग्जाम लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बात करते हुए राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस नागपुर अध्यक्ष रुद्र धाकड़े ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन परीक्षाओं के कारण छात्र के बाकी विश्वविद्यालय से पिछड़ने की संभावना अधिक है। कई छात्र नागपुर के बाहर भी रहते हैं। एसटी बस बंद होने के कारण उन्हें ट्रैफिक में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मुंबई विश्वविद्यालय और कृषि विद्यापीठ राहुरी में परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर विद्यापीठ भी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं ले, ऐसा भी इस दरमियान उन्होंने मांग की। आज हमने नागपुर यह निवेदन दिया है कि आज राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की नागपुर विद्यापीठ की समर एग्जामिनेशन ये पूरी तरीके से ऑनलाइन पद्धति से होनी चाहिए। कारण इसमें बहुत से रीजन्स है। सेकेंड वेव के बाद में जब नागपुर विद्यापीठ में प्रशिक्षण चालू किया गया वो काफ़ी थोड़े दिनों के लिए ही ऑफलाइन चला और उसके बाद फिर से ऑनलाइन हो गया। और अभी अभी हाल ही में ऑफलाइन सत्र प्रशिक्षण का चालू हुआ है जो कि पर्याप्त नहीं है विद्यार्थियों को ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। तो सभी विद्यार्थियों की ऐसा मत है कि हम सभी के सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन की तरफ जाना नहीं चाहता। अभी ग्रीष्मकाल का समय शुरू हो चुका है और काफ़ी दूर दूर रहते हैं विद्यार्थी, नागपुर के ही नहीं रहते, ये नागपुर के आसपास के जिलों से भी नागपुर के अंदर पढ़ने आते हैं। और अभी एसटी बसेस की जो स्ट्राइक चल रही है उससे भी काफ़ी उनको तकलीफ हो रही है। काफ़ी रीजन से जिसके कारण विद्यार्थी नहीं चाहते वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे। अभी सारे विद्यार्थियों का एक ही मत है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, यही सारे विद्यार्थियों की मांग है और यही उनके सभी विद्यार्थियों के हित में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की भी मांग है। अगर हमारी मांगनी तुरंत पूरी नहीं होती तो हम नागपुर विद्यापीठ पर प्रोटेस्ट करने की पूरी तैयारी में है। यही कहकर मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ।